नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जेड बी आसिफ विश्वकर्मा में। दोस्तों ये हमारा लास्ट वीडियो इस चैनल पे है, क्योंकि दोस्तों हमारा मोबाइल जो है पूरी तरह से टूट चुका है, डैमेज हो चुका है। मैंने इसको आज से 6 साल पहले ख़रीदा था। आप देख सकते हैं 6 साल पहले ऐसे ही था, एकदम न्यू जैसा था। अभी इसका कैमरा एकदम ख़राब हो चुका है, तो इसकी वजह से अब वीडियो बना पाना मुश्किल होगा। ये दूसरे के मोबाइल से हमने वीडियो शूट किया है, जिससे आप लोगों को बता सकें कि हमारा वीडियो का बनाने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि हमारी इनकम भी इतनी नहीं है कि हम कोई दूसरा मोबाइल अफोर्ड कर सकें। ये मोबाइल 6 साल पहले से हम ऐसे ही शूट कर रहे हैं, ये 2 साल पहले ऐसे टूटा था, फिर भी हम ऐसे ही शूट करते रहे। आप लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद, अब तक जितने भी सपोर्ट किए हैं। 2 साल पहले ये मोबाइल हमारा ऐसे ही टूटा था, फिर भी हम ऐसे ही शूट करते रहे, फोल्डर चेंज करवा करवा कर। लेकिन दोस्तों आज इसका कैमरा भी गिर के फूट गया। 6 साल तक ये मोबाइल चला, Vivo 91i है। इसका 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल था। इसी से मैं वीडियो भी एडिट करता था। कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास, बाढ़ का वीडियो, कितनी भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो हमने इसी भी मोबाइल, जितने भी अभी तक वीडियो हमने बनाया है सब इसी मोबाइल से बनाया है। लेकिन अब इसका कैमरा ख़राब हो चुका है, तो ये हमारे फ़ोन करने के लिए बात आएगा, वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसके कैमरे से अब ब्लर आ रहा है। दोस्तों इसी 8,500 रुपये के मोबाइल से मैंने अपने YouTube की जर्नी स्टार्ट की थी, जो कि 6 साल पहले हमने लिया था। आज तक हमारा YouTube का मोनेटाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसका 2000 घंटे मांगता है, तो उसको पूरा करने में आप लोगों की सहायता चाहिए और मुझे न्यू मोबाइल लेना है। इसलिए अगर आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मैं इस 8,000 के मोबाइल के लिए दूसरे ही मोबाइल 8,000 का ही लूँगा। ये मोबाइल मुझे बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लगा, इसलिए मैं ये मोबाइल वापस लेना चाहता हूँ। इसका कैमरा हमें बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इस 8,000 मोबाइल को मैं वापस खरीद सकता हूँ। इसी से हमने अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट की, अब इसी पे हमने ख़त्म कर दिया। ये लास्ट वीडियो ही है दोस्तों, इसके बाद हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मोबाइल नहीं है हमारे पास, और जिस मोबाइल से इस समय शूट कर रहे हैं वो दूसरे का है। चलिए दोस्तों अब इसका कैमरा आप लोगों को दिखा देते हैं, कितना ब्लर आ रहा है। दोस्तों अभी आप हमारे मोबाइल का कैमरा देख ही रहे होंगे, बहुत धुंधला हो गया है, फोकस नहीं कर पा रहा है। इस समय हम अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा कैमरा मोबाइल का ख़राब हो चुका है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। अभी तक हमने 4 साल से YouTube पे काम कर रहे हैं और हमारा 2000 घंटा ही पूरा हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं एक मोबाइल ले सकूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही एक मोबाइल ले पाएंगे, और 2000 घंटा भी और पूरा करना है दोस्तों। अगर आप वो पूरा कर दें तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस मोबाइल से खींची हुई पहले की पिक्चर मैं आप लोगों के साथ साझा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद अब इस मोबाइल से कोई भी पिक्चर फ़ोटो नहीं क्लिक हो पा रहा है, बहुत ही धुंधला आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जेड बी आसिफ विश्वकर्मा। दोस्तों ये हमारे मम्मी पापा हैं, रौनक प्रगति है, ये रौनक है। हम अपने वीडियो के फ़ोटो की आपको जानकारी दें, ये हमारा भाई रौनक हम हैं, जो इसी कैमरे से खींचा गया है। ये गुप्ता धाम हम लोग गए थे तब का पिक्चर है। ये रौनक का है, जो कृष्ण कन्हैया बना था, जन्माष्टमी का दिन था। ये हमारा फ़ोटो है, आप इसमें कैमरे की क्वालिटी देख रहे हैं। ये हमारे कॉलेज के ग्रुप का पिक्चर है। ये हाँ, मैं जब बाहुबली रिलीज हुआ था तब बाहुबली का भूत चढ़ा था हमारे ऊपर,
ये दोस्तों बाढ़ आया था तब का पिक्चर है। जब बाढ़ आता है हम लोग के घर पे, तो हम लोगों को घर खाली करना पड़ता है, हम लोग का घर पूरी तरह से डूब जाता है। ये हमारे कॉलेज का पिक्चर है, आशा महाविद्यालय बाबतपुर। ये मेरे कैमरा से खींचा गया फ़ोटो है दोस्तों। ये हम डायग्राम बनाए थे पेपर पे, उसका है। ये प्रगति है इसका। ये होली का फ़ोटो है दोस्तों, इसमें हम लोग होली खेले थे तब का। ये रौनक है, दोड़ो चीगना है, मुर्गी का बच्चा। ये हमारे दो चूहे हैं, वाइट चूहे जो पाले थे हम। इसमें हमारा खरगोश है, हम हैं। ये हम इंस्टाग्राम पे पहली बार फ़ोटो खींचे थे तब का है। ये भी हमारे चूहे ही हैं और मैं भी हूँ। ये हम और हमारे रौनक वरना कॉरिडोर पर खड़े थे तब का फ़ोटो है। ये हमारे कॉलेज टाइम का फ़ोटो है, जब मैं पहली बार ये मोबाइल यूज किया था तब का। ये फैमिली डे का पिक्चर है दोस्तों, याद है हमको आज भी। ये फ़ोटो के बारे में हमने अभी आप लोगों को बता ही दिया। ये हम और प्रगति हैं, प्रगति जब छोटी थी तब का है। ये शादी में नागिन डांस का रिकॉर्डिंग हुआ था, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को बता दिया। ये प्रगति है, जब हम पढ़ रहे थे तब हम लोग को परेशान कर रही थी। ये होली के समय फ़ोटो खींचे थे मोबाइल से। ये फाउंटेन हमने बनाया था हाथ से। ये घूमने गए थे तब का फोटो है। ये भी घूमने गए थे दोस्तों तब का, मैं और मोना है। ये मोना का फ़ोटो है। सभी फ़ोटो दोस्तों इसी कैमरे से ली गई है, कोई कैमरा चेंज नहीं किया गया था। ये हम अपने मोबाइल से खींचे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट भी हमने लगा दिया है। ये दोस्तों हमारी पिक्चर है, जो हमने प्रोफाइल पिक्चर है, वॉलपेपर लगाया था अपना। ये शादी में गए थे पड़ोस के, वहाँ का फ़ोटो है। ये हमारा फ़ोटो है, शादी में जा रहे थे तब का दोस्तों। बहुत याद आएगा अभी मोबाइल, क्योंकि इसके साथ इतनी सारी यादें जुड़ी हुई थी जो हमने आप लोगों के साथ साझा किया। ये हमारी फेवरेट पिक्चर है रौनक प्रगति के साथ, जो हमने लिया था। ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा घर दिख रहा होगा बाढ़ में एकदम डूबा हुआ। ये हमारी चाची जी हैं, बाढ़ आता है तो हम लोग का घर खाली करना पड़ता है। देख रहे हैं कितना पानी है, बाढ़ आया है तो। ये तब का पिक्चर से, ये हमारा घर है जहाँ पे पानी घुस चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। ये घर खाली कर रहे हैं भैया लोग हैं। ये मैं हूँ, ये हमारा का, ये मम्मी है। ये बिना देखे दोस्तों ऐसे ही लगा दिए। ये रौनक है, कान्हा जी बना है, आप लोगों को हमने बता दिया। ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे रौनक के घर घरौना है, ये भी मैंने ही बनाया था। उस घर घरौने का वीडियो कैसे बनाया था मैंने, उसी वीडियो के लिंक, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे दोस्तों। देख रहे हैं ये मिट्टी का घर घरौना है, जो कि मैंने ही बनाया था। पूरे मेकिंग प्रोसेस आप लोगों को दिखा देंगे कि मैंने कैसे बनाया इसको। ये रौनक का पहला बर्थडे था, विश्वकर्मा पूजा के दिन रौनक पैदा हुआ था वो। ये मैंने बिजली आधार संशोधन के लिए कंप्लेन किया था, तो हमारा पेपर में छपा था। मोबाइल था तो बहुत कुछ यूज करते थे। ये रौनक की पहली स्टेप है, जो कि उसने पहली बार चलना सीखा था तब का है। ये हमारा घर रौनक का ये देखिए, गोलगप्पा लेकर कितना खुश हो रहा है रौनक। ये आकाश हैं, जो हमारे दोस्त हैं, गवर्नमेंट किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे। ये शिवम और शुभम है, जो कि विद्यापीठ के दोस्त हैं, विद्यापीठ में हम लोग पढ़ते थे तब के हैं। ये अनुज है, ये भी हमारा दोस्त है। ये शुभम है, ये मेरा भाई है। ये रौनक है दोस्तों, फेवरेट फ़ोटो खींच के लगाएं। ये हमारे बड़े भैया सुनील जी हैं। ये हमारे कॉलेज टाइम का फ़ोटो है, जो मोबाइल एकदम न्यू लिए थे तब का। ये रौनक है दोस्तों, मुंडन के टाइम का रौनक है। ये बताइए कौन है दोस्तों, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, कमेंट में ज़रूर करिएगा। ये मम्मी पापा हैं,
फादर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था, ये मोबाइल लिए थे तब का बुखार था, ऐसे ही कई भी फ़ोटो खिंचा लिए थे। चेन्नई सुपरस्टार रजनीकांत बन रहे थे।